आतंकी संगठन हमास पर इसराइल की तरफ से जवाबी एक्शन से अब हिंदुस्तान में कुछ बुद्धिजीवियों को टेंशन होने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है, तो एएमयू में हमास के समर्थन पर हुई कार्रवाई को सपा सांसद नाइंसाफी बता रहे हैं। वहीं खास धर्म के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी का अब विरोध शुरू हो चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस आतंकी संगठन ने इसराइल में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ जुल्म किया, त्योहार का जश्न मना रहे आम इंसान पर बम बरसाए, उस हमास के खिलाफ जैसे ही हिंदुस्तान ने इसराइल का समर्थन किया, देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। एएमयू में हमास के समर्थन में नारे लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसराइल के समर्थन के खिलाफ प्रेस नोट जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई में धर्म युद्ध वाला चैप्टर खोल दिया। यहां तक कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी हमास के साथ एएमयू के समर्थन में आ गए हैं। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज्यादा ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी का आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के लड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया और लिखा, हमास का हमला इसराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। ये उस आतंकी संगठन के समर्थन में मुस्लिम लॉ बोर्ड का ज्ञान है जो हमास के आतंक से खुद को अनजान बता रहा है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति पर खास धर्म के खास संगठन का सवाल उठाना जायज है? क्या इनका समर्थन सिर्फ इसलिए है कि हमास आतंकी संगठन में सभी खास धर्म के हैं, या फिर ये हिंदुस्तान के अंदर नई साजिश है? 12 लाख की भी हो सकती है, वो मसीह के एक एटम बम भी मार सकते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह जो है हमेशा मजलूमों का साथ देता है, और वो मजलूम है कि वो हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन ईसाई वो नहीं देखता। जो मजलूम है उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। इसराइल जो इस जो जोम के अंदर है कि वो जो चाहे कर ले, बड़ी बड़ी रियासतें नहीं रहेंगी। हालांकि जैसे ही भारत में रहने वाले कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी ने हमास का समर्थन किया, वैसे ही ये लड़ाई फिर से धर्म पर आ गई और इनके विरोध में बीएचयू में हमास आतंकी संगठन के खिलाफ मार्च निकाला गया और आतंकी संगठन के समर्थकों का पुतला फूंका गया। एक एएमयू के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस प्रकार से एक अनौपचारिक घटना को क्रम दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इसराइल है वो भारत का बहुत बड़ा अलायंस है और बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों के बीच, और हम लोग इसराइल का ही समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से इसराइल का समर्थन करते हैं। यानी एक तरफ इसराइल हमास को खलास करने के लिए ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जुबानी हमले होने लगे हैं, वो भी उस विदेश नीति के खिलाफ जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।